ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर फीमेल का, और इसको डायग्नोज करने के तरीके, पहला तरीका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें आप अपनी ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल के अगेंस्ट फील करते हो, अगर को कोई गांठ फील होती है फिर आप डॉक्टर के पास आते हो। सेकंड स्टेप है डॉक्टर एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर को अगर कोई गांठ फील होती है फिर नेक्स्ट स्टेप है मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। एज पर डिपेंड करता है, 50 से नीचे अल्ट्रासाउंड, 50 से ऊपर आप करते हो मेमोग्राम। और अगर आप इसमें कोई चीज़ एब्नॉर्मली लगती है तो नेक्स्ट स्टेप है बायोप्सी। तो बायोप्सी ही बेस्ट टेस्ट है नोड की एफिनेसी, और इस बायोप्सी में आप इसलिए करते हो कि आपको हॉर्मोन का टेस्ट पता होना चाहिए, ERPR HER, जिसके बेस पे हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं जो कि कीमोथेरेपी हॉर्मोन थेरेपी की बात करते हैं। और इन चारों चेकअप्स के बाद आप ये फाइनल डायग्नोसिस बनाते हो कि क्या स्टेज है पेशेंट की और किस तरह का ट्रीटमेंट है। तो जरूर ध्यान रखें सेल्फ एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी, ये सबसे जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस करने के लिए।